इस वीडियो को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के कैपेसिटी बिल्डिंग कंपोनेंट के तहत तैयार किया गया है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में अपनी सेहत दुरुस्त रखने के लिए लोग हेल्दी और सेफ फूड प्रोडक्ट्स को तरजीह देने लगे हैं, बल्कि यूं कहा जाए कि फूड इंडस्ट्री अब हेल्थ और न्यूट्रिशन जैसे फैक्टर्स को बढ़ावा दे रही है तो गलत नहीं होगा। इसी वजह से प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स आदि के उत्तम स्रोत मछली उत्पादों की मांग में काफी बढ़ोतरी हुई है और निकट भविष्य में फ्रेश वाटर फिश और सी वाटर फिश की खपत और बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन चूंकि मछली अत्यधिक पौष्टिक होती है, इस वजह से ये इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण खराब होने के लिए भी अति संवेदनशील है। फिश और फिश प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए ही उनकी प्रॉपर प्रोसेसिंग की जाती है, जिससे कि उनकी गुणवत्ता में कोई कमी ना आए और मछली उत्पादों का सेवन करने वालों को मछली के सभी पोषक तत्वों का लाभ प्राप्त हो सके। जाहिर है, फिश प्रोसेसिंग न केवल आज के दौर की जरूरत है बल्कि एक बेहतरीन व्यवसाय बनकर भी उभरा है, जिसका फ्यूचर में भी बहुत स्कोप है। निफ्टिम की ये इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री फिश प्रोसेसिंग के व्यवसाय पर आधारित है। रॉ मटेरियल। फिश प्रोसेसिंग के व्यवसाय के लिए रॉ मटेरियल के तौर पर फिश, स्पाइसेस, एडिबल ऑयल और पैकेजिंग मटेरियल का उपयोग होता है। मशीन्स एंड इक्विपमेंट। इस व्यवसाय के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीन्स और इक्विपमेंट में फ्रायर मशीन, सीलिंग मशीन, कोल्ड रूम, चॉपिंग बोर्ड, स्टील काउंटर, नाइफ, ट्रे, बास्केट, आइस क्रशर और अन्य हैंडलिंग इक्विपमेंट शामिल हैं। प्रोसेस। इस व्यवसाय के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल्स को कलेक्ट करके इंटेक सेक्शन में फीड किया जाता है और रॉ फिशेस को सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है। फिर डिबोनिंग या फिलेटिंग की प्रक्रिया में इन फिशेस की कटिंग की जाती है, जहां इनकी बोन्स और स्किन अलग अलग कर दी जाती हैं। इस प्रक्रिया के साथ ही साथ फिशेस की सफाई भी की जाती है ताकि सारी इंप्योरिटीज हटाई जा सकें। अब इन फिलेट्स को अगली प्रोसेस तक आइस के साथ स्टोर किया जाता है। इसके बाद जो मछली उत्पाद बनाना है उसकी आवश्यकता अनुसार इन फिश फिलेट्स की कटिंग की जाती है। इस प्रक्रिया के बाद अमैलगमेशन या मैरिनेशन की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें स्पाइसेस को इन कट फिश पीसेस के साथ अच्छी तरह से मिलाया जाता है। अब इन मैरिनेटेड फिश पीसेस को फ्रायर की सहायता से फ्राई किया जाता है। अब ये फिश प्रोडक्ट प्रोसेस होकर तैयार हो जाते हैं, जिनकी प्रॉपर पैकेजिंग करके इन्हें कोल्ड चैम्बर में -40 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर कर लिया जाता है और आवश्यकतानुसार मार्केट में भेज दिया जाता है। प्रोसेस रिकैप। इस व्यवसाय के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल्स को कलेक्ट किया जाता है। इसके बाद रॉ फिशेस में बोन और स्किन को अलग कर दिया जाता है और साथ ही इनकी सफाई भी की जाती है। इसके बाद इन्हें आइस के साथ रखा जाता है और इसके बाद जो मछली उत्पाद बनाना है उसकी आवश्यकता अनुसार इनकी कटिंग की जाती है। इसके बाद स्पाइसेस को कट फिश पीसेस के साथ अच्छे से मिलाया जाता है और फिर इन मैरिनेटेड फिश पीसेस को फ्राई किया जाता है। आखिर में इन प्रोसेस्ड फिश प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग करके इन्हें कोल्ड चैम्बर में स्टोर किया जाता है और फिर आवश्यकता अनुसार मार्केट में भेज दिया जाता है। मैन पावर। इस व्यवसाय में आपको लगभग 8 से 10 वर्कर्स की आवश्यकता होगी। इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। फिश प्रोसेसिंग के व्यवसाय को करीब 15 से 20 लाख के मशीन इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं और इसके द्वारा लगभग 18% से 20% प्रॉफिट कमा सकते हैं। FSSAI regulations। आपको बता दें, फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड और फूड एडिटिव्स के अनुसार फिश प्रोसेसिंग की प्रक्रिया में FSSAI द्वारा निर्धारित मानक 2.6 फिश और फिश प्रोडक्ट्स के 2.6.1 फिश एंड फिश प्रोडक्ट्स का प्रयोग आवश्यक है। इसके अलावा उत्पाद की पैकेजिंग के लिए FSSAI के जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ पैकेजिंग रेगुलेशन नंबर 2.1.1 का उपयोग करना अनिवार्य है। वहीं लेबलिंग के लिए जनरल रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन नंबर 2.2.1 का उपयोग आवश्यक है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना PMFME एक अखिल भारतीय केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें व्यय को केंद्र और राज्य सरकार के मध्य
इस प्रकार साझा किया गया है। योजना 5 वर्षों 2020-21 से 2024-25 तक के लिए लागू होगी। इसके माध्यम से 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रत्यक्ष सहायता और वित्तीय, तकनीकी, विपणन और ब्रांडिंग सहायता प्राप्त होगी। साथ ही व्यक्तिगत इकाइयों को 35% तक का क्रेडिट लिंक्ड ग्रांट के रूप में अधिकतम 10 लाख रुपए तक का अनुदान है। लाभार्थी को योगदान परियोजना लागत का न्यूनतम 10% निवेश करना होगा। समूह इकाइयों जैसे किसान उत्पादक संगठन FPO, स्वयं सहायता समूह SHG, किसान उत्पादक सहकारिता को भी पूंजी निवेश, प्रशिक्षण सहायता, विपणन के लिए क्रेडिट ग्रांट 35% तक का अनुदान प्राप्त है। स्वयं सहायता समूह SHG को SHG फेडरेशन स्तर पर प्रति सदस्य 40,000 रुपए की प्रारंभिक पूंजी देय है। योजना के अंतर्गत सामान्य अवसंरचना यथा सामान्य प्रसंस्करण सुविधा, प्रयोगशाला, उष्मायन केंद्र, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज आदि के लिए 35% क्रेडिट लिंक्ड ग्रांट का प्रावधान है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा लागू PMFME स्कीम के साथ साथ अन्य योजनाओं जैसे ऑपरेशन ग्रीन्स आदि की विस्तृत जानकारी मंत्रालय की वेबसाइट www.mofpi.nic.in पर उपलब्ध है। PMFME एवं ऑपरेशन ग्रीन्स योजनाओं की जानकारी हेतु आप 0130-228-1089 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण पर उद्योग की जानकारी एवं वीडियो निफ्टम वेबसाइट के PMFME लिंक पर उपलब्ध है।